Hello everyone, I am Saket Bajpayee, Director of Payas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudhov. The question says A positive point charge 50 microcoulomb is located in the plane xy at the point with radius vector r0 equal to 2i cap plus 3j cap, where i cap and j cap are the unit vectors of the x and y axis. Find the vector of the electric field strength E vector. फिफ्टी तो माइक्रोकुल का और वो कहा लोकेटेड है एक्सवाई प्लेन में और उसका कॉर्डिनेट हम लोग समझ पा रहे हैं कि टू कॉमा थ्री हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब देखिये बच्चो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और उसका मैग्नीट्यूड कहां पर एक ऐसे पॉइंट पर जिसका रेडियस वेक्टर है कैप फाइव ठीक है 8, -5, तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं इस पॉइंट का नाम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं तो हम लोग यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि ये जो वेक्टर मैंने बनाया है ए से बी की तरफ वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा पोजिशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अब देखिए बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना एट बी ड्यू टू ए वो कितना लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा बच्चों के क्यू अपॉन आर बी ए का स्क्वायर और डायरेक्शन के लिए यहां पर क्या आ जाएगा आर बी ए का यूनिट वेक्टर ठीक है अब देखिए बच्चों हम लोग पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर ये कैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा एट माइनस टू आई कैप प्लस माइनस फाइव माइनस थ्री जे कैप के बराबर मतलब ये हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप के बराबर ठीक है तो इस डायरेक्शन में हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों तो हमारे को इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा तो आर बी ए कैप जो है वो क्या हो जाएगा सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा सिक्स आई कैप माइनस एट जी कैप अपॉन ऑन ये हो जाएगा कितना टेन के बराबर ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम लोग आर बी ए है ना या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आर बी ए वेक्टर का मॉट है ना ये हम लोग क्या लिख सकते हैं तो बड़े आराम से हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि ये कितने के बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं टेन यूनिट्स के बराबर आएगा ठीक है तो अब चलिए बच्चों बड़े आराम से हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट बी बिकॉज ऑफ ए निकाला जा सकता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ ए जो है फाइनली कितना आ जाएगा तो वो आ जाएगा देखिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन फिर क्यू हमारे को कितना दे रखा है क्यू हमारे को आप देख सकते हैं फिफ्टी कूलम दे रखा है तो फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स ठीक है अपॉन तो यहां जाएगा बच्चों आर बी ए का स्क्वायर अब आर बी ए कितना था तो वो तो टेन था तो टेन का हमें करना होगा स्क्वायर और फिर आ जाएगा यूनिट वेक्टर है ना तो यूनिट वेक्टर कितना है सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप अपॉन ऑन टेन के बराबर क्लियर ही बात तो ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा ठीक है तो चलिए इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या बन जा रहा है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिक ऑफ ए है ना वो कितना हो जाएगा तो हम लोग यहां पर देख पा रहे नाइन इंटू फिफ्टी इंटू टेन टू द पावर कितना आ गया ये थ्री आ गया अपॉन यहाँ पर देखिए ये भी टेन की पावर थ्री आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप तो टेन की पावर थ्री तो यहां पर कैंसिल आउट हो गया क्लियर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ ए जो है वो कितना आ जा रहा है फोर फाइव जीरो मल्टीप्लाइड बाई सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप तो ये देखिए बच्चों फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 2.7 पॉइंट सेवन आई कैप माइनस थ्री पॉइंट सिक्स जे कैप और यूनिट हो जाएगी इसकी किलो वोल्ट पर मीटर क्लियर ये बात तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ ए आया है क्लियर है अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालना चाहें तो वो भी बहुत आसान है है ना इसका मैग्नीट्यूड हम लोग देख सकते हैं कि कैसे निकालेंगे तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ ए का मैग्नीट्यूड देखिए हो जाएगा फोर फिफ्टी अंडर द रूट ऑफ सिक्स का स्क्वायर प्लस एट का स्क्वायर क्लियर है तो ये कितने के बराबर आ जा रहा है तो ये बराबर आ जा रहा है 450, zero, zero, है देखिए ना वोल्ट पर मीटर जिसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं फोर पॉइंट फाइव किलो वोल्ट पर मीटर के बराबर ठीक है तो बच्चों इसी के साथ हमारे सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है आई होप कि आपको ये सोल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी आल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बहुत